सो गाइज, ये YouTube सीरीज की पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि YouTube चैनल बनाते कैसे हैं, पार्ट 2 में आपको बताया YouTube चैनल को वेरीफाइड कैसे कर सकते हैं, और पार्ट 3 में आपको बताने वाला हूँ, इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये पार्ट 3 वाला वीडियो है, इसमें बताने वाला हूँ कि YouTube चैनल के फुली कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि YouTube चैनल में बहुत ऐसे सेटिंग होता है, छोटा छोटा सेटिंग, कैटेगरी क्या क्या ये सब, तो सब सेटिंग अगर नहीं करते हैं तो आपको बहुत ऐसे फीचर्स होता है जो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 फ्री वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। YouTube चैनल बनाना, YouTube चैनल वेरीफाई करना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए बताते हैं कैसे आपको कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज करने के लिए आपको ब्राउज़र ओपन करना है, कोई भी ब्राउज़र, आपका क्रोम ब्राउज़र होगा आपके फ़ोन में, उस ब्राउज़र को ओपन करना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद जहाँ पर आपको यूट्यूब दिख जाएगा, इस यूट्यूब वाले पर क्लिक करना है। YouTube वाले पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने चैनल का लोगो देखने को मिलेगा। अगर आप लोगो सेट किए होंगे तो लोगो देखने को मिलेगा, नहीं लोगो सेट किए होंगे तो मेरे जैसा अभी दिख रहा है उसी तरह का आपका भी दिख रहा होगा। तो फाइनली क्या करना है, आपको उस पर क्लिक नहीं करना है, छोड़ देना है यहाँ पर। अगर दूसरा लोगो दिख रहा होगा, आपके पास दो दो चैनल होगा, तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, ऊपर में यहाँ पर 3 डॉट वाले पर क्लिक करना है, 3 डॉट दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर डेस्कटॉप साइट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है। अब आपका फ़ोन इस तरह कुछ आ जाएगा डेस्कटॉप साइट पे खोल करके। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको लोगो देखने को मिल रहा होगा आपका चैनल का। देखिए यहाँ पे सादा सादा ये जो लोगो दिख रहा है यहाँ पे कोने पे, उस पर क्लिक करना है अपने लोगो पे। उसके बाद आपका यहाँ पे ईमेल आईडी और ये सब शो हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे योर चैनल जो दिख रहा है, ये योर चैनल वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप योर चैनल वाले पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो मेरा देखिए पहले यहाँ पे एक बार लोगो लगा के चेक किए थे इसलिए लगा हुआ है, अभी रिफ्रेश करेंगे तो ये हट जाएगा, कोई बात नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या करना है, आपको यहाँ पे कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है। आपको कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको भी सही से दिख जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ब्रांडिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे ब्रांडिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस ब्रांडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे लोगो सेट करना पड़ेगा, ये जो है अपलोड करना वाला ऑप्शन, इसमें देखिए यहाँ पे, और ये लोगो सेट करना, अपने चैनल का जो आइकन होता है वो आइकन सेट करना होगा। तो आइकन सेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक आइकन बनाना पड़ता है। चलिए बताता हूँ आपको आइकन कैसे बनाना है। चैनल जो लोगो होता है उसको बनाने के लिए ये एप्लीकेशन चाहिए, ये जो है PicsArt। ये PicsArt आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ से जाकर डाउनलोड करना है, इसको ओपन करना है। तो जब इसको ओपन करेंगे उसके बाद यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, नीचे जो यहाँ पे प्लस आप देख पा रहे होंगे, तो इस प्लस वाले पे क्लिक करना है। प्लस वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख जाएगा, इस बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऊपर में आपको बहुत सारे बैकग्राउंड यहाँ पे कलर देखने को मिलेगा, जो भी कलर बैकग्राउंड में बनाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना। तो फाइनली मैं यहाँ पे वाइट वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरा देखिए वाइट जो है ये आ चुका है। अब वाइट ही आ गया। अब आपको क्या करना है, आपके जो चैनल का नाम है फर्स्ट वाला लेटर है, तो यहाँ पे अपने नाम जो लिखना है, अपने चैनल का जो नाम है उस नाम का पहला लेटर लिख लेना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना जो नाम का है वो फर्स्ट लेटर मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो देखिए मैं एस लिख दिया फर्स्ट लेटर, और लिख देने के बाद यहाँ पे कलर वाले पे आना है और जो भी कलर यहाँ पे लगाना है उसको सेलेक्ट कर लेना। तो फाइनली मैं यहाँ पे ब्लैक कलर ही रहने देता हूँ, ब्लैक कलर यहाँ पे रहने दिए इस तरह कुछ, और इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह हो गया। उसके बाद क्या करना है, फिर से टेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है और जो भी आपका लास्ट वाला अक्षर है, जैसे कि सुभाष यादव, एक तरह से मेरे चैनल का नाम सुभाष यादव, तो एस तो पहले मैं ले लिया, फिर लास्ट यादव वाला वाई ले लेते हैं, फिर यहाँ पे वाई लिख लेना है आपको। लिख लेने के बाद इसका भी कलर, आपको जो भी कलर पसंद पड़ता है उस कलर को सेलेक्ट कर लेना है। तो फाइनली मैं ये वाला कलर को सेलेक्ट कर लिया हूँ, जैसे कि यहाँ पे रेड भी कर लिया, देखिए रेड भी थोड़ा सही लग रहा है। आपको मैं जल्दी जल्दी बता के दिखा रहा हूँ तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा इसलिए। तो
तो यहाँ पे देखिए एस वाई कुछ इस तरह लगा दिए। लगा देने के बाद क्या करना है, ऊपर में सही जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है ऊपर में। और क्लिक करने के बाद क्या करना है, इसको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा टूल्स का, यहाँ पे एक मिनट दिखा देता हूँ, ये जो टूल्स वाला ऑप्शन दिख रहा है इस टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन जो दिख रहा है सेव क्रॉप, इस सेव क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे राउंडिंग दिख जाएगा, तो यहाँ पे ये जो राउंड वाले जो पूरा जो दिख रहा है इस राउंड वाले को सिलेक्ट करना है, इस वाले पे सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करेंगे तो आपका गोल वाला यहाँ पे आ जाएगा सेव। इसको क्या करना है, पूरी अच्छी तरह से इसको गोल पूरा हो जाए इस चैनल के आठ वाले में। हो जाने के बाद क्या करना है, सीधा कर लेना है इसको। और कर लेने के बाद फिर यहाँ पे ऊपर में तीर वाला जो आइकन है, इस तीर वाले आइकन पे क्लिक करना है। तीर वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बॉर्डर देने का ऑप्शन आएगा, तो बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं साइड से। देखिए यहाँ पे मैं जैसा यहाँ पे कर रहा हूँ वैसा यहाँ पे मेरा साइड का जो बॉर्डर है वो इस तरह चेंज हो रहा है। जो भी कलर यहाँ पे आपको पसंद आता है वो कलर ले लेना है। मैंने फाइनली ये वाला पीला वाला रख लिया हूँ ये। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ऊपर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, एक और यहाँ पे ऊपर में सेव का ऑप्शन दिख रहा है जो ये डाउनलोड वाला सिंबल, इस वाले पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपका जो ये लोगो है ये सेव टू गैलरी हो जाए। तो आइकन बन जाने के बाद फिर से यहीं पे आना है। और यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, इस अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अलाउ मांगेगा, इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपका जो यहाँ पे खुल जाएगा उसका जो लोगो आप बनाया है उस लोगो को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे ऊपर में डन पे क्लिक करना है। अब आपको लोगो यहाँ पे इस तरह देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, इस डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा, कैंसिल और डन का ऑप्शन है, इस डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और आपका यहाँ पे लोगो सेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लोगो आ चुका है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लोगो आ चुका है। अब क्या करना है, आपको एक बैनर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैनर बनाने के लिए यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के लिए आपको पहले बैनर बनाना, चलिए बताता हूँ आपको बैनर बनाना कैसे। तो पहले बैनर बनाने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको गूगल प्ले स्टोर पे चलना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है कैनवा। तो यहाँ पे आपके सामने खुलकर आ जाएगा ये वाला ऐप कैनवा ग्राफिक डिसीजन वीडियो कॉलेज लोगो मेकर। तो इसको क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है। ओपन हो जाएगा बंद क्या, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे गूगल यहाँ पे कंटिन्यू साइन अप करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे गूगल पे क्या करना है, गूगल पे क्लिक कर देना है। गूगल कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करने के बाद आपके जितने भी ईमेल आईडी होंगे सारे ईमेल आईडी यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो जिस भी ईमेल आईडी से आप लॉग इन करना चाहते हैं उस ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ से एक ईमेल आईडी जो मेरा वही वाला था उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। किसी ईमेल आईडी को सेलेक्ट करने के बाद आपका ये इस ईमेल आईडी से लॉग इन हो जाएगा। लॉगिन हो चुका है, देखिए मेरा लॉगिन होने के बाद फिर आपको क्या करना है, देखिए एक मिनट रुकिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा लॉगिन हो गया। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, ऊपर में यहाँ पे दिख पा रहा होंगे यहाँ सर्च बार। तो इस सर्च बार में क्या करना है, इसमें टाइप करना है यूट्यूब चैनल आर्ट, यूट्यूब चैनल आर्ट लिख करके सर्च करना है। उसके बाद इस तरह आ जाएगा। क्या करना है, यूट्यूब चैनल का आर्ट वाले यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। क्या करना है, आपके जो भी इसमें से आपको पसंद आता है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं फाइनली कोई सा भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं एक यही वाला सेलेक्ट कर लिया, ये वाला सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपके सामने कुछ इस तरह आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बीच में जो नाम लिखा हुआ है इस नाम पे टैप करना है दो बार। जब नाम पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपका कीवर्ड खुलकर आ जाएगा। कीवर्ड खुलकर आ जाएगा तो इसको बैक कर देना। बैक करने के बाद आपका जो चैनल का नाम है वो लिख देना है। तो फाइनली मेरा जो चैनल का नाम है मैं वहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि मेरे चैनल का नाम एक तरह समझते हैं सुभाष यादव है, मैं सुभाष यादव लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिख दिए, मेरा हो चुका है देखिए यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, इसी तरह यहाँ पे थोड़ा इसको अगर बड़ा करना चाहते हैं, ज़्यादा बड़ा मत कीजिएगा इसको तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, और भी कुछ लगाना चाहते हैं तो और भी कुछ यहाँ पे लगा सकते हैं। फाइनली मैं अभी इतना ही रहने देता हूँ, बाद में आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, ऊपर में डाउनलोड वाले सिंबल पर क्लिक करना है। यहाँ पे डाउनलोड वाले सिंबल पर रिफरिंग और डिसीजन इस तरह लिख करके आएगा। ये क्या करना है, डाउनलोड विथ वाटरमार्क क्लिक करना है।
और यहाँ पे देखिए आपका जो अलाउ मांगेगा यहाँ पे क्या करना है, अलाउ कर देना है, अभी आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। तो बैनर बन जाने के बाद क्या करना है, फिर से यहाँ पे आना है, यहीं पे आ जाना है, फिर यहाँ पे अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और जो अपने बैनर बना रखा है उस बैनर को सेलेक्ट करना है। तो ये रहा मेरा बैनर, इस बैनर को मैंने सेलेक्ट कर दिया, इस पर क्लिक करना है बैनर वाले पे। तो उस पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, इस तरह आ जाएगा। तो आपके अगर फ़ोन के साइज़ में इस तरह कुछ आ जाता है तो क्या करना है, इस यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए, अब मेरा यहाँ पे बैनर भी लग चुका है, मेरा बैनर लग गया है। अब यहाँ पे क्या करना है देखिए, यहाँ पे मैं इस तरह कुछ आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो इस तरह देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको लैपटॉप में कुछ इस तरह दिखाया जाएगा और मोबाइल में आपको कुछ इस तरह दिखाया जाएगा और टीवी में कुछ इस तरह LCD में। तो ये रहा, इसके बाद यहाँ क्या करना है आपको, और भी यहाँ पे एक और नीचे एक अपलोड का सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो क्या करना है आपको भी इसमें कोई भी अपना लोगो ऐड कर देना है। तो आपको सारी वीडियो में ऑटोमेटिक जब वीडियो अपलोड करेंगे सारी वीडियो में ऑटोमेटिक से देखने को मिलेगा सारी वीडियो में। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप अगर वीडियो इस तरह कुछ चलाएंगे, अगर मोबाइल को, जैसे कि मोबाइल अभी मेरा इस तरह है, लंबा है इस तरह, अगर मोबाइल को क्या करते हैं अगर इस तरह करके चलाते हैं पूरे फ़ोन में, अगर इसको इस तरह घुमा के चलाते हैं पूरे फ़ोन में, तो आपको यहाँ पे लोगो देखने को मिलेगा कोने में, जो यहाँ पे वीडियो के देखिए यहाँ पे आइकन दिया हुआ है, इस जगह आपको कोना में आपका जो यहाँ पे लोगो अपलोड करेंगे वो लोगो देखने को मिलेगा। तो ये आप ना भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, कोई बात नहीं है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड लोग ये अपलोड करते हैं, तो आप भी अगर बाद में भी कर सकते हैं, मैं कोई प्रॉब्लम इसे नहीं होने वाला है। उसके बाद क्या करना है, ये चीज़ अगर हो जाता है तो फिर से यहाँ पे क्या करना है, ऊपर में पब्लिक का ऑप्शन एक दिखेगा, उस पब्लिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपका ये पब्लिक हो चुका है, क्या करना है उसके बाद, फिर यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन बगल में दिखा है, बेसिक इन्फो दिखेगा। अब इस बेसिक इन्फो वाले में आ जाना है। बेसिक इन्फो वाले में आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या करना है, इसमें आपने चैनल का डिस्क्रिप्शन लिखना है, जो चैनल का डिस्क्रिप्शन अबाउट जो होता है ना उसको लिखना है। तो इसमें लिखना है आपको ये चीज़ लिखना है कि जैसे कि आप इस चैनल पे क्या चीज़ बताने वाले हैं, जैसे कि इसमें आप लिखिए कि जैसे कि वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल, और या फिर कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, आप जो भी चीज़ देते हैं चैनल पे वो चीज़ के बारे में इसमें लिख सकते हैं कि मैं इस चीज़ पे ये चीज़ बताता हूँ, इस चैनल पे ये चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, इस चैनल पे मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ, मोबाइल से ट्रिक्स या कोई भी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स मोबाइल के बारे में है तो मोबाइल के बारे में लिखिए, या कुछ भी इसमें लिख देना है, 8-10 लाइन में जितना लिखना चाहते हो उतना लिख देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे ऑटोमेटिक से चैनल का URL देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, फिर आपको लिंक ऐड करना है, यहाँ पे लिंक ऐड करने के लिए होता है, यहाँ पे अपने लिंक ऐड करना है, लिंक ऐड लिंक पे क्लिक करेंगे, ऐड लिंक पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको टाइटल लिखने को आ गया, इसमें टाइटल लिख देना है और यहाँ पे URL देना है। तो यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम का ऐड करके दिखाता हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक कॉपी करके रखा हूँ, आपको अगर नहीं आता इंस्टाग्राम का लिंक कॉपी करने तो आप यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं, मैं इसलिए नहीं बता रहा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए दूसरे वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पे लिख देना है अपना टाइटल, लिख देना इंस्टाग्राम लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ URL में क्या करना है, उस पर टच करके रखना है और यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे URL को पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे में और भी यहाँ पे फेसबुक ये सब जितना ऐड इसमें ऐड करते रहेंगे उतना आपका यहाँ पे URL आते रहेगा, तो जितना ऐड करना चाहते हैं उतना ऐड कर देंगे। अभी मैं फ़िलहाल में एक इंस्टाग्राम सिर्फ ऐड करके दिखा रहा हूँ। तो आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सब कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सब कुछ का यहाँ पे टाइटल लिख देना है उसी तरह, और उसका लिंक कॉपी करके डाल देना है, 4-5 लिंक कॉपी करके डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, फिर नीचे में आना है, तो मैं देखिए पहले से मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे डाला हुआ है, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना पर्सनल ईमेल आईडी होगा वो डाल देना है, आपका जो चैनल का ईमेल आईडी है वो नहीं डालना है, जिससे चैनल बना हुआ है उससे डालेंगे चैनल का ईमेल आईडी तो आपको उस चैनल को भी कोई हैक कर सकता है, हैकर सब, इसलिए चैनल का ईमेल आईडी नहीं डालना है। यहाँ पे बिजनेस ईमेल आईडी डालना है, कोई पर्सनल बना लेना है ईमेल आईडी, जिससे आप किसी से बात करना चाहते हैं, किसी से मेल करना चाहते हैं कोई भी चीज़ के लिए, तो आपको पर्सनल दूसरा बना लेना है। आप जो पर्सनल चैनल वाला है आईडी जो होता है ईमेल आईडी वो किसी को नहीं बताना है। अब यहाँ पे सब कुछ हो जाने के बाद क्या करना है, ऊपर में
आपको पब्लिक का ऑप्शन दिखेगा, उस पब्लिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जितना जो बताया इतना कर देने के बाद पब्लिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपका ये पब्लिक हो चुका है। फिर यहाँ पे उसके बाद क्या करना है, एक मिनट यहाँ पे जूम थोड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे में एक दिख रहा होगा, यहाँ पे सेटिंग का आइकन दिखेगा, इस सेटिंग वाले आइकन पे आ जाना है। यहाँ का काम कंप्लीट हो चुका है। अब सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करना है। सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चैनल वाले पे क्लिक करना है। आपको अभी बहुत कुछ नॉइस देखने को मिल रहा होगा, तो मैं कंपनी में जॉब भी करता हूँ इसीलिए अभी ड्यूटी टाइम पे हुए, तो सोचा मैं वीडियो बना लेता हूँ, इसीलिए यहाँ पे अभी बहुत सारा नॉइस आ रहा है। तो इसलिए अगर नॉइस ज़्यादा आ रहा है तो सॉरी, बुरा मत मानिएगा, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे चैनल वाले पे आ जाना है। चैनल वाले पे आने के बाद यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करने के लिए आएगा। इस कंट्री, अगर आपका इंडिया कंट्री है तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट होगा, तो इंडिया रहने देना है आपको, सेलेक्ट नहीं करना है दूसरा। यहाँ पे इंडिया मेरा सेलेक्ट है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे चैनल कीवर्ड आपको दिखेगा। इस चैनल कीवर्ड वाले अपने चैनल से रिलेटेड नाम लिख देना है। जैसे कि आपका चैनल का नाम है टेक्नो सुभाष, मेरा चैनल का नाम मतलब समझ लीजिए कि टेक्नो सुभाष है, तो यहाँ पे टेक्नो सुभाष लिख देना है, टेक्नो सुभाष, फिर सुभाष टेक्नो, टेक्निकल सुभाष, सुभाष टेक, टेक्नो सुभाष, इस तरह बहुत ऐसे कुछ लिख देना है करके, ताकि जब भी आप लिखे इस तरह का तो आपका भी चैनल सर्च में आए, या कोई भी लिखे तो इस तरह का सर्च में आए। आपको वर्ड गलत गलत करके लिख देना है इस तरह भी, कि टेक्नो सुभाष टेक, टेक्निकल सुभाष, बहुत ऐसे मतलब छोटा छोटा वर्ड में, जितना भी वर्ड होता है बहुत सारे वर्ड में इसमें लिख सकते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे लिख देना है। लिख देने के बाद क्या करना है, इसमें सेव वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिख जाएगा, सेव वाले पे क्लिक कर देना है। अब आपका सेव हो चुका है। फिर से आपको आना है नीचे उसी सेटिंग वाले ऑप्शन पे आना है। सेटिंग वाले आने में यहाँ पे चैनल पे आ जाना है, और यहाँ पे आपको एडवांस सेटिंग में आना है। यहाँ पे एडवांस सेटिंग आपको दिख रहा है ये वाला, इस एडवांस सेटिंग में आ जाना है। एडवांस सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा ये नीचे वाला में सेलेक्ट हुआ, तो इसको क्या करना है, ये नो बीच वाले में सेलेक्ट करना है, नो मेड फॉर किड्स जो दिख रहा है उस वाले में सेलेक्ट करना है। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा इसको, देखिए यहाँ पे इस वाले में सेलेक्ट करना है। यहाँ का अगर बच्चों से रिलेटेड है तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले में सेलेक्ट करना है। अगर बच्चों से रिलेटेड वीडियो नहीं है तो आपको नीचे वाले में सेलेक्ट करना है, इस वाले में ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे नीचे वाले बीच वाले में गोल पे मार देंगे, उस वाले पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, अगर सब्सक्राइबर हाइड करना चाहते हो, सब्सक्राइबर अगर नया चैनल है तो आप सब्सक्राइबर हाइड ही कर दे तो सही रहेगा। तो क्या करना है, यहाँ पे सब्सक्राइबर काउंट लिखा हुआ है, तो सब्सक्राइबर काउंट लिखा हुआ है, तो इसको क्या करना है, यहाँ पे इस बॉक्स में टिक करेंगे तो ये बॉक्स वाला ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस बॉक्स में टिक कर दिए हैं, सॉरी यहाँ पे इस वाले में टिक नहीं करना है, इस वाले में टिक नहीं करना है, इसको टिक को अनटिक कर देना है, हटा देना है। अब आपको यहाँ पे ऊपर में जो एक सब्सक्राइबर काउंट दिख रहा है इसमें टिक लगा हुआ है, इसको अनटिक कर देना है। टिक जब लगा हुआ है इसको अनटिक कर देना है। अब आपका सब्सक्राइबर जो होगा, कोई भी सब्सक्राइबर, कितना सब्सक्राइबर आपके चैनल पे है वो कोई नहीं देख पाएगा। जब कम सब्सक्राइबर होता है तो कोई किसी को सब्सक्राइब नहीं करता है, सोचा ही मेरे से बहुत कम लेवल पे, इसलिए सब्सक्राइब, तो आपको सब्सक्राइबर हाइड कर देना है पहले। उसके बाद फिर से यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, आपका इस तरह सेव हो जाएगा। अब सेव हो जाने के बाद फिर से क्या करना है, आपको फिर से एक बार और नीचे सेटिंग पे आना है, उसी वाले ऑप्शन पे चले जाना है, उस वाले में आ जाना है। यहाँ पे चैनल वाले में आकर देख लेते हैं एक मिनट, आपका इसमें का जो जितना भी सेटिंग था ये सब कुछ सही हो चुका है। अब क्या करना है, यहाँ अपलोड वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ जो अपलोड डिफॉल्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस अपलोड डिफॉल्ट वाले पे क्लिक करना है। अपलोड डिफॉल्ट वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, इसे टैग उग लिखने का ऑप्शन है, तो इसमें कुछ नहीं लिखना है। आपको एक चीज़ इसमें करना है, ये जो आपको दिखेगा विजिबिलिटी जो दिख रहा है, तो यहाँ पे पब्लिक होगा या प्राइवेट होगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस पे करके अनलिस्टेड कर देना है। अनलिस्टेड कर देंगे तो आपका वीडियो अनलिस्टेड में पब्लिक होगा, किसी को आप लिंक कॉपी करके देना चाहेंगे तो उसको लिंक कॉपी करके देंगे तो आपका वो वीडियो अनलिस्टेड में देख सकता है, लेकिन प्राइवेट रहेगा तो कोई नहीं देख सकता, इसलिए इसको अनलिस्टेड कर देना है। जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे डिफॉल्ट में, तो आपका वीडियो अपलोड होगा तो अनलिस्टेड में अपलोड होगा, डायरेक्ट पब्लिक में अपलोड हो जाएगा, तो आप बिना टैग टाइटल डाले हुए रहेंगे और आपका वीडियो पब्लिक हो जाएगा, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए आपको इसको अनलिस्टेड कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे एडवांस सेटिंग वाले पे आना है, इस बगल वाले सेटिंग जो दिख रहा है एडवांस सेटिंग, एडवांस सेटिंग वाले पे आने पे क्या करना है, यहाँ पे है
इस वाले को आपको इसी तरह छोड़ देना है। YouTube लाइसेंस जो है, YouTube का लाइसेंस होता है कि स्टैंडर्ड YouTube लाइसेंस, जैसे कि एक मिनट इसको खोल के दिखा देते, क्रिएटिव कॉमन है स्टैंडर्ड, तो क्रिएटिव कॉमन होगा तो आप इसको स्ट्राइक नहीं दे सकते हैं। क्रिएटिव कॉमन वीडियो जाए कोई भी आपको इसको, इस वीडियो को यूज कर सकता है, इसलिए आपको YouTube लाइसेंस ही इसको रहने देना है, इसमें कुछ क्लिक छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा एक कैटेगरी, इस कैटेगरी वाले पे क्लिक करना है। अगर आपको मेरे जैसे ही चैनल है, आप साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, कोई मोबाइल वोबाइल के बारे में बताते हैं, तो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा, और ये सेलेक्ट करना है। अगर ब्लॉगिंग करते हैं तो ये ब्लॉग पीपल एंड ब्लॉग जो दिख रहा है यहाँ पे, एक मिनट मैं दिखाता हूँ, अगर तो ये पीपल ब्लॉग वाले पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। इंटरटेनमेंट, अगर रोस्टिंग वीडियो बनाते हैं तो आपको इंटरटेनमेंट सेलेक्ट करना है, कॉमेडी है तो कॉमेडी, न्यूज है तो न्यूज वाला, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत सारे है इसमें कैटेगरी, गेमिंग वाला, म्यूजिक, फिल्म, एनिमेशन, ऑडियो बहुत सारा है, तो जो भी आपका कैटेगरी हो कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से कैटेगरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल जैसे कि है मोबाइल वोबाइल के बारे में ये सब है, तो मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको वीडियो लैंग्वेज होगा, वीडियो का लैंग्वेज अगर हिंदी होगा तो ठीक है, हिंदी सेलेक्ट होगा तो ठीक है, नहीं तो आपको इसमें क्या करना है, इस पर क्लिक करके एरो पे आपको हिंदी चुन लेना है, हिंदी सेलेक्ट करना है इसमें से, तो आपका हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। अगर हिंदी सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे हो चुका है आपका काम कम्प्लीट। अब यहाँ पे इस सेव ऑल ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, सेव ऑल ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्या करना है, सब कुछ यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है, पूरे होम बटन बैक आ जाना है। अब चलता हूँ यूट्यूब में और देखता हूँ कि कैसा मेरा चैनल का जो 8 लोगो था वो सब सेट हुआ है। तो यहाँ पे आ जाना है, उसके बाद यूट्यूब खोलना है यहाँ पे, और लोगो वहाँ पे दी जाएगा कोना पे, लोगो वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे योर चैनल पे क्लिक कर देना है। जैसे योर चैनल पे क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा ये जो है चैनल का लोगो आर्ट सब कुछ लगा हुआ था यहाँ पे, ये चीज़ लोगो दिख रहा है और ये चैनल का जो बैनर था सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे अच्छा से आप बाद में भी इसको एडिटिंग कर सकते हैं, सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद अब रहा इसमें वीडियो अपलोडिंग करना, इसमें वीडियो अपलोड कैसे करते हैं, वीडियो का टैग टाइटल या डिस्क्रिप्शन कैसे डालते हैं, सब कुछ मैं आपको वीडियो बनाकर देने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।